पिछवाड़े में दर्द हो जाता है बैठने के बाद, तो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के बैठना पड़ेगा RC390 की तरह। हेलो गाइस, अयान कार व्लॉग में आपका स्वागत है और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं डोमिनार 400 को। जी हाँ दोस्तों, ये एक डोमिनार 400 है, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। तो इसको हम फर्स्ट टाइम रिव्यू करेंगे अपने चैनल पर और इसके बारे में आपको बताएंगे क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या इसमें इश्यूज हैं, प्रोज कॉन्स सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और साथ ही मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा चीप मोटो व्लॉगिंग सेटअप है जिसके अंदर हम मोबाइल होल्डर से वीडियो बनाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके अंदर मिल जाता है डोमिनार का लोगो और यहाँ आपको मिलता है स्पीडोमीटर, ये मैं आपको दिखाऊं। और स्पीडोमीटर के अंदर आपको मिल जाता है डुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसके अंदर यहाँ पे आपको मिलता है लो फ्यूल वार्निंग और साथ ही इंजन का किल स्विच आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाए इंजन किल्स ऑन ऑफ। और इसके अंदर देखो हम ऑन करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है साइज एंड डाउन एवरेज का ये, और ये बटन मिल जाते हैं दो जिससे आप कंट्रोल करते हैं, इसको दबाने से चेंज हो जाता है। दो ट्रिप मीटर मिल जाते हैं, स्टैंड डाउन का मिल जाता है, डायनेमिक फ्यूल कंजम्पशन मिल जाता है और यहाँ पे एक दो गियर इंडिकेटर मिल जाते हैं, टाइम मिल जाता है और यहाँ पे किलोमीटर ड्रिवन आ जाता है कि आपने कितने किलोमीटर चलाई है। और साथ ही यहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत ही अच्छा बैकलाइट बटन्स जो कि आपका हेडलाइट का, इंडिकेटर का, हॉर्न का, और यहाँ आपको मिल जाता है आपको किल स्विच प्लस सेल्फ स्टार्ट का बटन। आपको दिखाऊँ इसका साइड लुक, तो ये आप देख सकते हैं बैक लुक इसका काफ़ी अच्छा है। डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल जाता है इसके अंदर आपको। टायर की विड्थ इसकी अभी तक की काफ़ी वाइड आपको मिलता है नॉर्मल बाइक से, तो टायर विड्थ इसकी काफ़ी अच्छी है। और साइड प्रोफाइल मैं आपको दिखाऊं कुछ ऐसा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट लुक। इसमें बहुत सारी LEDs दी हुई है दोस्तों, आप देखेंगे तो बहुत सारी LEDs है, काफ़ी अच्छा इसका नाइट का थ्रो है, LED इंडिकेटर मिल जाता है और इसके अंदर मिलता है आपको LED बैकलाइट। तो ये है इसका पूरा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सारी चीज़ें। और अब हम इसको बताने वाले हैं चला के क्या प्रोज है कौन से, और उससे पहले मैं आपको इसकी कुछ अच्छी बातें बता देता हूँ जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से हट के है और राइड करके मुझे पता चली। तो इसके अंदर आपको मिलता है सबसे अच्छा जो है राइड कंफर्ट, राइडर के लिए भी बहुत अच्छा, और पिलियन की सीट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, नॉर्मल हाइट पे है, ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के बैठना पड़ेगा RC390 की तरह या R15 की तरह। तो इसमें आप पिलियन भी बिठा सकते हैं, किसी को भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, एक तो इसका पिलियन कम्फर्ट, राइड कम्फर्ट बहुत अच्छा है, साथ ही इसकी जो माइलेज है मैं आपको माइलेज दिखा दूँ एवरेज रियल टाइम, ये 28 का मुझे माइलेज देती है जब मैं इसको नॉर्मल स्टेज पे चलाता हूँ, 28 से 30 देती है, हाईवे पे 32 तक चली जाती है, तो 28 से 32 का इसका एक्चुअल माइलेज है, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं इसमें, एक्चुअल माइलेज इसका इतना है। और टॉप स्पीड मिल जाती है इसकी दोस्तों लगभग 185 तक मैंने इसको चलाया है, 185 तक इसकी टॉप स्पीड है। और इसके अंदर मिल जाता है आपको बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन फ्री इंजन, बहुत अच्छी बजाज की सर्विस, और इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो भी मैं आपको बता दूँ, सर्विस कॉस्ट इसकी पड़ती है आपको 1800 से 2000 हर 6 से 8 महीने में, तो इतनी इसकी सर्विस कॉस्ट है। एक जी कमी लगी मुझे, कमी अभी मैं आपको कौन से आप गिनवा देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये साड़ी गार्ड तो दिया हुआ है पर लेडीज़ का फुट स्टेप नहीं दिया, और मार्केट में आफ्टर मार्केट अवेलेबल भी नहीं है जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है अगर कोई एक साइड पैर करके बैठना चाहे। सेकंड जो इसकी कमी है, जो इसका जो राइडर नहीं पिलियन की जो सीट है काफ़ी हार्ड है, पिछवाड़े में दर्द हो जाता है बैठने के बाद, तो ये आपका सीट है बैक सीट में इसमें ये इशू है। बस इन दो मेजर कमियों के अलावा एक तीसरी और है जो इसका साइड मिरर है, साइड मिरर में आज तक कोनी के अलावा कुछ दिखी नहीं, सिर्फ अपनी कोनी देख के चलाते इसके अंदर, तो साइड मिरर का इशू है इसके अंदर एक है थोड़ा सा, बाकी एज सच कोई इसके अंदर इशू नहीं है। आप चलाएंगे इसकी टॉप स्पीड भी अच्छी है, वाइब्रेशन फ्री है, हैंडलिंग बहुत प्यारी है, और पिकअप तो इसकी पूछिए मत, मैं आपको भी एक पिकअप और राइड टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। ये देखिए मैं इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देता आपको, ये देखिए स्टार्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं हेलमेट ऊपर बिल्कुल नहीं गिरता, कितना भी थ्रॉटल दे दूं, ये देखो एकदम वाइब्रेशन फ्री बाइक है, कोई इसमें इशू नहीं है। यहाँ तक ये हवा में चिपकाया हुआ मेरा पर्चा भी नीचे नहीं गिरा, नंबर प्लेट छुपाने के लिए लगाया था। उम्मीद करते हैं रिव्यू पसंद आया हो, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ और क्या चीज़ अच्छी चीज़ें बता दी मैंने, बुरी चीज़ बता दी एक बार फिर से समराइज कर दिया जाता है इस वीडियो में। सबसे अच्छा नंबर 1 पे मिलते हैं आपको हेडलाइट बहुत अच्छा थ्रू है, सेकेंड वाइब्रेशन फ्री है, तीसरा फैमिली फ्रेंडली है, चौथा इसकी टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा है, और इनिशियल तो पूछो मत क्योंकि इसकी टॉर्क और पावर दोनों बहुत ज़्यादा है, 40-40 के आसपास है, 40 BHP के अराउंड, 38 Nm का टॉर्क है और समवेयर अराउंड 40-41 BHP इसकी पावर है। और टॉप स्पीड जाती है दोस्तों, मेरी वाली डोमिनार 2021 मॉडल है जो कि UG के जस्ट बाद आई थी, तो इसकी टॉप स्पीड अराउंड 190 के आसपास है, और जैसे जैसे डोमिनार अपग्रेड होती गई पैसे बढ़ते गए, स्पीड कम होती गई
टॉर्क कम होता गया, कागजों पे टॉर्क बढ़ाए पर इनिशियल परफॉर्मेंस गिरती जा रही नई डोमिनार की। पर इस वाली डोमिनार की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, माइलेज आपको मैंने बता दी, बहुत प्यारी माइलेज है, 28 की दे रही है और शॉकर भी बहुत अच्छा है, सस्पेंशन अच्छा है, बस पिलियन की ऐसी हो जाती है इस पे क्योंकि दुखता है कमर, तो उसके लिए आप सीट अपनी बदलवा लें। बैक रेस्ट इसके अंदर आता नहीं है, फुटस्टेप इसके अंदर मिलेगा नहीं, नल आप लगवा सकते हैं साइड का। तो ये है इसका ओवरऑल रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह के मोटो व्लॉगिंग के लिए हमें फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।